नमस्कार। पैरामीटर ऑफ लॉ के इस चैनल में आज मैं फैमिली लॉ, जिसे मुस्लिम लॉ या शरिया लॉ भी कहा जाता है, इससे संबंधित विवाह की कुछ शर्तें, आवश्यक शर्तें, किन हालात में होता है विवाह, को क्या समझा जाता है, उसकी प्रकृति क्या होती है, इस बारे में वीडियो में बताने जा रहा हूँ। वीडियो महत्वपूर्ण है। सबसे पहले तो आपको ये जान लेना चाहिए कि इनके अंदर सिविल कॉन्ट्रैक्ट के रूप में माना गया है। ये एक पवित्र संस्कार नहीं है जैसा हिंदू विवाह में होता है, अर्थात ये एक प्रपोजल होगा और उसको परफॉर्मेंस पूरा करने के लिए उस संविदा को इसमें मेहर वगैरह भी दी जाती है। तो ये आपको जानना चाहिए कि ये एक सिविल कॉन्ट्रैक्ट है, संविदा है, जो दो पक्षकारों के मध्य होता है। और विवाह संभोग और संतान की उत्पत्ति के लिए मुस्लिम लॉ में किया जाता है, उसकी वैधानिक प्रदान करने वाली संविदा उसको माना गया है। निकाह जो है वो अरबी शब्द से लिया गया है, विपरीत लिंगों का मिलन होता है, ये पुरुष है स्त्री है, स्थाई संविदा की जाती है और इसमें विवाह को निकाह के समय जो है आपसी सहमति से, ऐसा अब्दुल कादिर बनाम सलीमा के मामले में माना गया है कि ये एक सिविल संविदा है और इसके प्रस्ताव और स्वीकृति पूर्ण होने पर इस संविदा में विवाह संपन्न होता है। ये संस्कार नहीं है जैसा मैंने अभी आपको बताया, ये आपको जानना चाहिए। दूसरा, तिरमिजी विवाह के जो उद्देश्य हैं वो एक तो काम वासना की पूर्ति करना है, गृहस्थ जीवन का पालन करना है और वंश की वृद्धि करना है, इनका मुख्य उद्देश्य है। पत्नी और बच्चों की देखभाल करना भी इसका उद्देश्य है, सदाचारी बच्चे का पालन करना। विवाह की प्रकृति में अलग अलग विधि शास्त्री जो जूरिस्ट है उनके अलग अलग अभिमत हैं। कुछ विधि शास्त्री इसे सिविल कॉन्ट्रैक्ट मानते हैं, कुछ धार्मिक संस्कार की प्रकृति मानते हैं, केवल संविदा इसमें का होना आवश्यक है। पक्षकारों के मध्य यौवनावस्था में, वो यौवनावस्था अर्थात मेजर हो गए हों, बालिग हो गए हों, स्वस्थ चित्त हों, मुस्लिम हों, मस्तिष्क उनका ठीक हो, पागल ना हो, ये सब आवश्यक शर्तें हैं और स्वतंत्र सहमति से किया जाए। विवाह की जो औपचारिकता है वो धार्मिक संस्कारगत के रूप में मानी गई है, ये आपको जानना चाहिए। तो इजब अर्थात प्रस्ताव, कबूल, स्वीकृति एक ही बैठक में हुए हों ऐसा कहा गया है, और खुद की स्वीकृति या अभिभावक की सहमति का होना आवश्यक है। अगर दूसरा, रसीदा खातून वर्सेस एस के इस्लाम के केस में AIR 2005 उड़ीसा 57 में ये कहा गया है कि पुरुष ने स्त्री को विवाह का आश्वासन दिया, बच्चा पैदा हो गया, फिर विवाह नहीं किया, तो ऐसी स्थिति में सहवास करने से विवाह नहीं माना, इस विवाह को स्वीकृति सुप्रीम कोर्ट द्वारा भी नहीं दी गई। मौखिक और लिखित तरह की संविदा हो या बातचीत हो, और एक बैठक में होना चाहिए, दो साक्षी होना चाहिए, चाहे दो पुरुष हो, नहीं है तो कोई महिला को भी लिया जा सकता है। सिया विधि में सक्षम गवाहों का होना आवश्यक है, उपस्थित रहना आवश्यक नहीं है सिया में आवश्यक नहीं है। पक्षकारों के बीच प्रोहिबिटेड रिलेशन अर्थात जिन रिलेशंस में शादी नहीं हो सकती है, जैसे रक्त संबंध करावत कहलाता है, ब्लड रिलेशन उनमें नहीं होगी। विवाह संबंध या मुशारत, पत्नी की माँ दादी से शादी नहीं की जा सकती है। तीसरा है धात्रे संबंध या रिजा, अन्य स्त्री का जिसने 2 साल तक बच्चे ने दूध पिया है, वहां भी इस तरह की प्रोहिबिटेड रिलेशनशिप में शादी नहीं हो सकती है। तो इस तरह कुल मिलाकर जो मुस्लिम विधि में विवाह है, निकाह है, इसको सिविल कॉन्ट्रैक्ट माना गया है। पक्षकार बालिग हो, स्वतंत्र सहमति देने के लिए सक्षम हो, पागल नहीं हो या गार्जियन उपस्थित हो, स्वस्थ हो, मुस्लिम हो, यौवनावस्था प्राप्त कर चुके हो और स्वतंत्र सहमति से ये विवाह हो, धार्मिक और संस्कारगत जो है कबूल होकर ये जब अर्थात प्रस्ताव रखा गया हो, कबूल स्वीकृति एक बैठक में हुआ हो, तो ये विवाह संपन्न हो जाता है। खुद की सहमति या अभिभावक की भी सहमति मानी गई है। तो मैंने आपको निकाह, मुस्लिम निकाह के संबंध में सरल भाषा में कुछ जानकारी दी। वीडियो अच्छा लगा हो उसे लाइक करें, शेयर करें, मित्रों दोस्तों को भेजें। मैं मुस्लिम विधि से संबंधित अन्य भी कुछ वीडियो इस चैनल पर बनाकर डालूंगा जो आपकी जानकारी बढ़ा सकें। जुड़े रहिए पैरामीटर ऑफ लॉ चैनल से। एक और अनुरोध मेरी धर्मपत्नी श्रीमती अर्चना शर्मा का भी यूट्यूब पर एक चैनल अर्चना आरटी आपके नाम से है, कृपया उस चैनल को भी देखिए, उसके वीडियोस देखिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। मैं हृदय से आभारी हूँ, तहे दिल से। लगभग मेरे 45,400 के करीब सब्सक्राइबर हो गए, आप भी जुड़िए। अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करिए और इसी चैनल से जुड़े रहिए। धन्यवाद, नमस्कार।